बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारी बहन के आने अल्लाह आपको सदा। ये हम आज किस नाल मटन पकाएंगे, और ये प्याज है, चार अदद बड़ी है एक छोटी, नीचे पीसी भी दो खाने के चमचे। मटन है तकरीबन एक किलो और किस नाल है डेढ़ किलो। ये आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ये हसबे जायका नमक, ये चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ये अजवाइन मेथी दाना और कलौंजी, ये एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट, ये एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक पेस्ट, ये पांच अदरक टमाटर, ये एक बॉल हमारा दही का, सात आठ हरी मिर्ची है हमारे, ये मटन का एक किलो गोश्त है हमारा, ये डेढ़ किलो हमारी कचन है। अब ये डंडियाँ जो है इसके लिए साफ करेंगे पैसे धो के, फिर हम इसे डालेंगे डंडी में से ऐसे भोजन कर लिया नहीं आज पर कि आप हल्की फैल करके दाल फ्राई नहीं कर। देखिए हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, और इसमें लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, गरम मसाला वगैरह सब डाल दें, क्योंकि मटन है ना गलेगा मटन, उसके साथ में सारी चीज़ें भी गल रही हैं, बाद में हम इसे भूनेंगे। टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से गल गए, थोड़ा मसाला भी, आप अभी हमने सारी चीज़ें डाल के इसमें चढ़ा दी, दो गिलास तकरीबन ढाई गिलास पानी डाले, और एक से डेढ़ घंटा हल्की आंच पे पकेगा, फिर हम इसे भूनेंगे तो कचनाल डालेंगे दही के कचनाल वगैरह। ये हमारा हमने इसमें दही भी डाल दी है, हरी मिर्ची भी, अब हम इसे भून लें, फिर ये भून जाएगा, फिर हम इसमें कचनाल डाल के भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें धुली हुई साफ की हुई कचनाल डालेंगे, धुली हुई है साफ की है इसको, डंडियाँ थी इसकी। अब हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट पकाएं। तकरीबन 15-20 मिनट हम इसे भूनेंगे, फिर हम इसे दम पे लगाएंगे।